स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस2टी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम एक बहुत पॉपुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सोनी A7 Mark III के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले एक रफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कैमरा काफ़ी पुराना नहीं है, 2018 यानी कि अप्रैल 10 में आया था और मार्केट में कहिए जून के आसपास मार्केट में लोगों को अवेलेबल हो गया। तो इसीलिए समझिए कि अभी मार्क 4 नहीं आने वाला है, 2020 के बीच में आ सकता है लेकिन अभी हाल फिलहाल में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए काफ़ी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि मार्क 4 आए, लेकिन मार्क 4 नहीं आएगा अभी अभी तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि सोनी मोबाइल की तरह रिलीज़ नहीं करता ये सब कैमरा को। कम से कम 2 से 5 साल का गैप दिया जाता है। कैनन 5 देता है, नाइकॉन मतलब 5 से 3 के आसपास देता है, सोनी 2 तक जाता है। तो इसीलिए अभी तुरंत इसका रिप्लेसमेंट नहीं आने वाला है। और ये है 24 मेगापिक्सल BSI सेंसर। ये BSI सेंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप पुराना, जैसे आप सोच रहे हैं कि नाइकॉन फुल फ्रेम DSLR का दाम अभी काफ़ी कम है, 1,50,000 में मिल जाएगा। अगर D600 तक जाना चाहते हैं तो वो तो आपको 96,000 में मिल जाएगा। तो क्या उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये BSI है, यानी कि बैक साइड एलुमिनेशन, यानी कि जो फोटो डायोड्स होते हैं वो जो मतलब फोटो रिसीव कर रहा है उसकी वायरिंग उसके ऊपर ना होकर उसके पीछे है। तो वो सेंसर काफ़ी अच्छा लो नॉइस परफॉर्मेंस देता है, मतलब 24 मेगापिक्सल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस सिर्फ कुछ ही लोग दे सकते हैं फुल फ्रेम में। APS-C में आपको भले कोई इधर उधर देते हैं, लेकिन फुल फ्रेम में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है 24 मेगापिक्सल के हिसाब से। मतलब सोनी का ही एक 12 मेगापिक्सल आता है, वो और अच्छा है लो लाइट के लिए, लेकिन वो मतलब 12 मेगापिक्सल है। तो 24 मेगापिक्सल में आपको इसके सेंसर से शिकायत नहीं होने वाला है, ये काफ़ी अच्छा है। प्लस ये $2,000 के अंदर रिलीज हुआ था, ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इसका अगर रुपया में भी बात करें तो 1,50,000 के अंदर है। तो 1,50,000 को सुनने में बहुत लग रहा है, लेकिन आप समझिए जो फुल फ्रेम DSLR है वो 2-3 लाख से स्टार्ट होते थे, और मतलब इसके आने के बाद ही उनका दाम घटना शुरू हुआ। तो मतलब 1,90,000 1,99,000 को लेके सीधे 1,50,000 तक उतार दिया। ये बहुत बड़ी बात थी इस प्राइस रेंज में उतारना। ये 4K ढंग से कर सकता है, यानी कि 4K HDR यानी कि काफ़ी अच्छा डायनेमिक रेंज के साथ 30 फ्रेम पर सेकेंड तक कर सकता है बिना क्रॉपिंग के। वो मतलब कैनन वाला झमेला नहीं है कि हाँ 4K है लेकिन जैसे आप यूज़ करेंगे मतलब 2x का क्रॉप लगा देता है, वैसा वैसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर फुल फ्रेम रहेगा, थोड़ा सा क्रॉप करता है दाएं बाएं से अगर आप 30 फ्रेम पर सेकेंड पर शूटिंग करते हैं। अब वो थोड़ा सा सिर्फ मतलब डिजिटल रीजंस है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता चलेगा आपको। तो काफ़ी अच्छा फुल फ्रेम देता है, मतलब वीडियो कैपेबिलिटी के फुल आपको। हाँ, F1.2 का लेंस लिए तो F1.2 का डेप्थ ऑफ फील्ड आपकी वीडियो में भी आ जाएगा। प्लस ये फुल फ्रेम होने के बावजूद भी, मतलब ये है फुल फ्रेम, उसके बाद भी इसमें आईबस है, यानी कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी कि सस्ते लेंस आजकल इसके लिए बनाए जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन देना मतलब फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि वो बड़ा हो जाता है और महंगा हो जाता है, भारी भी हो जाता है। तो इसके लेंस में वो उतना टेंशन नहीं है। नाइकॉन भी इसीलिए अब अपने सीरीज़ में सीधे इमेज स्टेबलाइजेशन हटा दिया, सीधे सेंसर बॉडी में देता है। सोनी के साथ भी यही है। तो और ये अगर आप Z6 के दाम से कंपेयर कीजिएगा तो सस्ता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि फुल फ्रेम में आईबस आया, और प्लस इसमें USB-C है, तो आपको मतलब चार्जिंग के लिए आप इसको बैटरी जो है इसी के अंदर चार्ज कर सकते हैं या चार्ज लगा के कंटिन्यूसली यूज़ भी कर सकते हैं। और Z बैटरी दिया, ये सबसे बड़ा बात है। आपको जो लोगों को मिररलेस को बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं, मतलब मिररलेस ऐसा नहीं कि आज आया या 2018 में आया, 2010 के आसपास से ही चल रहा है, लेकिन मिररलेस का शुरू का सबसे बड़ा समस्या यह था कि वो छोटा बनाने के चक्कर में बैटरी एकदम यूजलेस डालते थे। ये पहली बार सोनी मतलब सीधे हटाया, ढंग से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बैटरी डाला Z बैटरी जो है, और काफ़ी तगड़ी रेटिंग है। मतलब इसकी रेटिंग जेन्युइनली सारे DSLR के बराबर है या उससे बेटर है, और लोग लिटरली इसे 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और कहते हैं कि 2 से 3 घंटे तक रिकॉर्डिंग मिल जाती है कंटिन्यूसली। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है इसका रफ आइडिया। अब ये समझिए कि ये कैमरा जो है सोनी ने बहुत अच्छा बनाया और बहुत अच्छे से मार्केट किया। ये इतना बड़ा तहलका ले आया मार्केट में कि अभी एक साल बाद जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इससे पहले की दुनिया अलग थी, इसके बाद की दुनिया अलग थी। मतलब ये बदल के रख दिया। ये जब सोनी अनाउंस किया तो सोनी बोला ये हमारा बेसिक बॉडी है, मतलब सोनी का अनाउंसमेंट ऐसा था बेसिक था, तो दाम भी बेसिक बताया 2000। मैंने आपको बताया कि $2,000 इसके बाद से लगने लगा कि नहीं $2,000 में सब चीज़ आना चाहिए। इससे पहले $2,000 का मतलब अरे किसी तरह काम चल जाए, कैनन 6D Mark II ले लो किसी तरह काम चल जाए। तो समझ रहे, ये बहुत बड़ा चेंज कर दिया कि मतलब 1,50,000 में आपको क्या क्या मिल जा रहा है, ये बदल दिया।
और ये प्रोफेशनल कैमरा मतलब इतने कम दाम में दे रहा है। और प्रोफेशनल मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल मैं तीन चार रीज़न से बोल रहा हूँ। उसका एक प्राइमरी रीज़न है कि डुअल कार्ड स्लॉट है। डुअल कार्ड स्लॉट मतलब आप लोग में से जो लोग इवेंट फोटोग्राफी करते हैं यानी कि शादी ब्याह का हो या स्पोर्ट्स का हो, वो लोग रिस्क नहीं ले सकते कि अरे कार्ड करप्ट हो गया फिर से करो। हमेशा डुअल कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा। आप कोई भी स्पोर्ट्स प्रो कैमरा बॉडी देखिएगा, आराम से उसमें देखिएगा डुअल कार्ड स्लॉट, चाहे नाइकॉन हो चाहे कैनन हो चाहे सोनी हो, हमेशा डुअल दिया जाता है। ये एक ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ वापस नहीं होने वाला है उस पर आप नहीं किसी को बोल सकते कि कार्ड नहीं उड़ा। और आप कहोगे कि नहीं मेरा कार्ड कभी नहीं उड़ा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो कभी ना कभी उड़ेगा। और उम्मीद कीजिए अगर बेमतलब के टाइम में उड़ गया, जैसे आप घर में कुछ काम कर रहे हैं तब उड़ गया कार्ड, कोई दिक्कत नहीं, आपने कार्ड लगा लिया, लेकिन होता है कार्ड उतक स्वाहा हो जाता है। इसीलिए दो लगाने से थोड़ा तो मन को शांति मिल जाता है कि कम चांसेस है कि उड़ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग बिना मतलब डुअल शॉट के इवेंट फोटोग्राफी नहीं करेंगे क्योंकि अब ये ऑप्शन अवेलेबल है और ये इतने कम दाम में दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी कारण से मतलब कैनन का ईओएस आरपी जिसका दाम मतलब अब अभी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें भी डबल नहीं है, तो इसलिए शादी ब्याह वाले जो लोग को मतलब जिनका कार्ड के साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा वो तो हाथों नहीं लगाएंगे। और नाइकॉन जी सीरीज़ में भी वही है कि दिया ही नहीं कार्ड स्लॉट। तो ऐसा क्यों है कि ये दोनों कंपनी जो कि इतनी 50 साल पुरानी कंपनी है दोनों, और दोनों के मतलब प्रोफेशनल आते हैं, वो प्रॉब्लम ये कि ये चाह रहे हैं कि हमारा DSLR भी बिके मिररलेस भी बिके, वैसा तो होगा नहीं, तो इसलिए इनकी बॉडी खुद ही लटकी हुई, कंपनी खुद ही लटकाती है इसको। मतलब नाइकॉन मुझे ज़्यादा पसंद है लेकिन इसमें फ्लिप आउट स्क्रीन है और ऑटो फोकस अच्छा है, लेकिन वीडियो में इतना क्रॉप कर देते हैं कि ये यूज़लेस हो जाता है। ये मतलब इसका वीडियो ऑटो फोकस ठीक है, मतलब कोई बहुत बढ़िया नहीं है या बहुत ख़राब नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा सा लेफ्ट टू बी डिजायर्ड है। और डुअल ना होने के चलते प्रोफेशनल इस पर हाथ नहीं लगाते। आई ऑटो फोकस जिस टाइम ये आया था ये बहुत बड़ी बात था। आप ही कैनन में आप आई ऑटो फोकस इम्प्रूव कर सकते, मतलब पहले तो जोक था मतलब कि सोनी का आई ऑटो फोकस अलग लेवल पर है, यानी कि फ्रेम में जो भी आपका इमेज में आ रहा है उसमें चेहरा बहुत छोटा हो तब भी आँख डिटेक्ट कर लेता था, और मतलब नाइकॉन और कैनन बहुत बेयरली ये सब कर पाता था। हाँ, फर्मवेयर अपडेट के साथ कैनन में $300 का फर्मवेयर अपडेट आपको लगा के आप इसका इंप्रूव कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि सवाल ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको इतने कम दाम में नहीं मिलेगा डुअल कार्ड स्लॉट और आई ऑटो फोकस। सिर्फ फूजी किसी तरह आ सकता है, लेकिन फूजी APS-C है। और ये समझिए कंपटीशन अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप निकाल के मतलब जिनको मैंने बताया डुअल कार्ड स्लॉट काफ़ी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर आई ऑटो फोकस मॉडल फोटोग्राफी के लिए काफ़ी बड़ा समस्या सल्टा देता है। तो ये सब है, और ऐसा भी नहीं है कि सोनी ने मॉडल रेस किया तो सब मतलब बस छोड़ दिया, उसके उन्होंने फूजी से सीखा। फूजी और पैनासोनिक दोनों बहुत पॉपुलर है मार्केट में क्योंकि वो लोग कैमरा का फर्मवेयर अपडेट करते रहते हैं, पॉलिश करते रहते हैं। और सोनी ने भी ये सीख लिया कि सोनी भी अब अपना मतलब रिलीज़ किया, एनिमल IAF नहीं था, यानी एनिमल के यहाँ पे ऑटो फोकस नहीं कर सकता था, लेकिन एल्गोरिदम को अपडेट किया गया, फर्मवेयर का पैकेज रिलीज़ किया गया, आप खरीदिए मतलब कैमरा खरीदिए, फर्मवेयर फ्री में अपलोड कर लीजिए, आराम से आपका कैमरा में एनिमल ऑटो फोकस आ जाएगा। तो समझिए ये बहुत बड़ा चेंज लाया मार्केट में, और बिना मतलब बिना A7 Mark III के रिलीज हुए ये सब कैमरा मार्केट में नहीं आता, क्योंकि ये पहली बार था सोनी का सेल्स रिकॉर्ड की मतलब कितना पीस बिका वो इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब नाइकॉन बोल रहा हूँ कैनन का है 550 660, मतलब ये सब जो चीप DSLR तो सबसे ज़्यादा वही बिकता है, उसके बाद सोनी था। सोनी थर्ड पोजिशन पर चला गया अमेजोन में मोस्ट सोल्ड कैमरा में, और उसके चलते फ्लड हो गया मार्केट में। मतलब अब सोनी को भरोसा हो गया कि अरे मेरा इतना बिक रहा, कुछ ना कुछ लोग तो लेंस खरीदेंगे ना, तो लेंस पर खर्चा करने लगा। तो सोनी ने जो लेंस माउंट बनाया था वो ई माउंट है, वो ओपन स्टैंडर्ड है, यानी कि कोई और कंपनी बना सकता है। अब ये देख के कि इतने सारे बिक रहे हैं सोनी अपना लेंस बनाने लगा, तो टैमरॉन भी उतर जाता कि अरे हम भी कुछ लेंस बना देते हैं सस्ता में आपको चाहे। फिर सिग्मा भी बोला क्यों ना हम टैमरॉन और मतलब सोनी के लेंस के बीच का दाम का बना देते हैं। तो समझ रहे एकदम तहलका आ गया दुनिया में, ये बहुत चीज़ बदल दिया ये परफेक्ट दाम के साथ। तो फिर सवाल बनता है कि क्या आपको ये आज खरीदना चाहिए कि नहीं। पहला आप ये समझिए, मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि आप कैमरा में जब भी बात कर रहे हैं आप कैमरा सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप कैमरा बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। बॉडी का कोई मतलब नहीं, बॉडी बदलता रहता है, तो लेंस पर मेन खर्चा होता है आपका। तो क्या यहाँ पर लेंस है? बहुत बड़ा लेंस का सलेक्शन है, यानी कि अगर इस वक्त आप स्टार्ट करते हैं कि ये फोटोग्राफी में घुसना चाहते हैं कि मैं नाइकॉन का मिरर लेंस लेता हूँ जो नाइकॉन आगे ले जाएगा, या कैनन का मिरर लेंस लेता हूँ जो आगे ले जाएगा, धड़ाक से लेंस का ऑप्शन नहीं है, दोनों के पास बहुत कम हुआ तो 4-5 लेंस है और अवेलेबल भी नहीं है, और उनके दाम इतने ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा दाम है कि मतलब आपको सोनी का जो जी मास्टर लेंस है जो सोनी का सबसे महंगा होता है वो फ्री का लगने लगेगा, इतना ज़्यादा दाम है। मतलब सोनी के साथ तो पहले से कहते थे भाई लेंस फुल फ्रेम वाला थोड़ा देर ज़्यादा महंगा, अभी अरे यार ये तो फ्री है, तो मतलब समझ लीजिए कि मतलब वहाँ 2,50,000 350,000 मतलब क्या है?
मतलब यहाँ का सारा लेंस 2 लाख के अंदर आराम से हष्ट पुष्ट दुरुस्त निपट जा रहा है, और उधर उधर और वो मैं सोनी की बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी का तो गुजा भी नहीं रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि चीप ऑप्शन आपको सोनी में भी अवेलेबल है, जैसे कि ये लेंस बहुत अच्छा है, मतलब स्टार्टर के लिए मान लीजिए कि आप बॉडी खरीदने में आपका पैसा पूरा खत्म हो गया, थोड़ा सा ही बचा 70-80 हज़ार ही आपके पास बचा है, वो भी ठीक से नहीं है, तो ये खरीद सकते हैं 24-240। ये 10x का फुल फ्रेम लेंस है, इसका देखा देखी कॉपी अभी नाइकॉन रिलीज़ करने वाला है, नाइकॉन बोल रहा हूँ कैनन रिलीज़ करने वाला था ही नहीं, मतलब इसका अल्टरनेट, तो एक काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर लेंस है। तो समझ रहे काफ़ी ऑप्शन है लेंस के पास, ऐसा नहीं कि अरे खरीदने का लेंस ही नहीं है, जो कि फूजी के साथ सबसे बड़ा समस्या होता है। पहला तो उसके लेंस का सिलेक्शन बहुत बड़ा नहीं है, अच्छे लेंसेस हैं, बड़ा नहीं है सिलेक्शन, मान लीजिए आपके मन लायक ना मिले तो कोई इसका फायदा नहीं है। दूसरा अवेलेबिलिटी, यानी कहाँ पर मिलेगा, दिल्ली में मिल जाएगा, मुंबई में मिल जाएगा, इधर उधर आप कहीं हैं तो भगवान भरोसे हो जाता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बहुत बड़ा है, आपको अमेजोन से लेके ईबे से लेके फ्लिपकार्ट से लेके आपको दुकान तक में सब जगह मिलना शुरू हो गया है। टैमरॉन बहुत सस्ता लेंस उतारने लगा इसके लिए, यानी कि 60,000 में फुल फ्रेम लेंस उतार किया है f/2.8 का, तो समझ सकते हैं ये काफ़ी बड़ी बात है। और परफॉर्मेंस के बारे में ठीक है, चलो ये सब चीज़ हो गया, आपने लेंस मन लायक आपने सेलेक्ट कर लिया, लेंस परफॉर्मेंस आप कुछ क्या कैमरा अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया कैमरा सस्ता है, तो कैमरा अच्छा है, जवाब है हाँ। तो कैमरा के बारे में दो लोगों का मतलब सबसे कॉमन शिकायत आता था, जो खासकर कि रॉ एडिटिंग नहीं करते, काफ़ी लोगों का ये शिकायत आता कि भाई मेरे को सोनी का कलर नहीं पसंद है। ये बात सोनी सुना, सोनी ने A7 में काफ़ी पॉलिश किया है, तो स्किन टोन अब काफ़ी अच्छा आता है। मान लीजिए आपको नहीं पसंद आता है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप जाके दुकान में टेस्ट कर लीजिए, आपको अपने जरा, क्योंकि आप कभी भी मॉनिटर में देख रहे ना वो सही नहीं लगता है, क्योंकि आप नहीं जानते वो बंदा कैसा दिख रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा स्किन ये टोन का है, क्या मेरा ये टोन है, आप कैसे जानोगे, जब तक आप मुझे रियल लाइफ में अपनी आँख से नहीं देखते हो तो कैसे जानोगे। क्योंकि मान लीजिए जिस मॉनिटर में आप देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा कलर ऑफसेट है, थोड़े कैलिब्रेटेड है, या मान लीजिए आप जो फाइल कंप्रेशन है उससे भी कलर पर असर पड़ता है, तो आप कैसे जान रहे हो कि मेरा कलर, इसीलिए आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास कैनन था या नाइकॉन था, आप खुश थे कि भाई ऐसा कलर, आपने सोनी ये खरीद लिया मान लीजिए A7, और आपको दिल नहीं बैठ रहा है यार, कलर फील नहीं आ रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन कि लाइट रूम में आप एक प्रीसेट बना लीजिए किस तरह का चाहिए, रॉ में आराम से कलर चेंज किया जा सकता है। दूसरा आप कैमरा में चेंज कर दीजिए ताकि आपका जो फोटो आए डायरेक्टली वो उस कलर का आए, दोनों किया जा सकता है, थोड़ा फजीहत वाला ऑप्शन है लेकिन किया जा सकता है। और उससे फायदा ये होता है कि कुछ लोग थोड़ा अपना आर्टिस्टिक टच डाल देते हैं, ताकि मतलब कम से कम मेहनत में फोटो खींचे तुरंत आप मतलब इंस्टाग्राम में डाल पाए। तो समझ लीजिए परफॉर्मेंस के मामले में सोनी ने काफ़ी चीज़ सुधार दिया, ऑटो फोकस के मामले में डिस्कशन ही खत्म कर दिया, वीडियो के मामले में डिस्कशन ही नहीं शुरू होता है, सिर्फ एक लिमिट था कि 30 मिनट का, क्योंकि जिस टाइम ये रिलीज़ हुआ था उस टाइम यूरोपियन यूनियन ने अपना रूल नहीं चेंज किया था। तो समझिए परफॉर्मेंस के मामले में तो डिस्कशन नहीं। दूसरा वीडियो परफॉर्मेंस भी मतलब सिर्फ पैनासोनिक कंपेयर कर सकता है, और वो भी पैनासोनिक का ऑटो फोकस उतना अच्छा नहीं है, और ये सिर्फ माइक्रो 4/3 टिक पाता है, फुल फ्रेम नहीं टिक पाता, तो इसलिए लोग इसको खरीदेंगे। आप खरीदिए, आपके पास लेंस का ऑप्शन है, 60,000 में f/2.8 लेंस बहुत बड़ी बात है। मिररलेस का DSLR का लेंस अब इतना साल से बिक रहा है तो आप सस्ते में मिल जा रहा है, तो क्या ये परफेक्ट है, क्या एकदम मतलब इसको लेने के बाद आपको कभी कुछ टेंशन ही नहीं होगा, नहीं, कुछ कुछ चीज़ इसमें मिसिंग है। जैसे सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट है कि ये फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं दे रहा, क्योंकि ये कैमरा काफ़ी परफेक्ट हो जाता अगर फ्लिप आउट स्क्रीन दिया। जैसे मेरे पास कैनन 800D है, फ्लिप आउट है, आराम से मैं अपना ये शूटिंग कर लूँ, इसके साथ आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ जाएगा, नहीं तो ये फ्लिप आउट ना देना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। दूसरा टच स्क्रीन नहीं है, तो आप बोलेंगे भाई मैंने इसका मैनुअल पढ़ा है, सब कह रहा टच फोकस है, हाँ ये मेन्यू आप नहीं टच कर सकते, ये बेसिकली टच स्क्रीन नहीं है, ये पता नहीं सोनी ईगोसेंट्रिक कंपनी है, जापानीज हैं वो लोग मर जाएंगे, लेकिन ये ईगो चेंज नहीं करते हैं, तो इसमें आप मत उम्मीद कीजिए। मैं नहीं आपको कहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं मार्क 4 के लिए वेट कर लेता हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ना तो वो फ्लिप आउट स्क्रीन देंगे ना तो टच स्क्रीन देंगे। दूसरा ये सुधार दिया है, ये मतलब नए मॉडल आप सोचोगे ना कि 1,50,000 है और दूसरे मॉडल जो महंगे हैं उसमें क्या फ़र्क है, उसमें बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ फ़र्क है। इसमें डुअल UHS-II स्लॉट नहीं है, यानी कि मतलब इसमें जो कार्ड लगता है वो UHS-II एक छो लगता है स्लॉट नंबर 1 पर, स्लॉट नंबर 2 में UHS-I ही लगता है, तो उससे प्रॉब्लम होगा कि अगर आप दोनों में रॉ लिखना चाह रहे हैं कि आप मतलब फाइल बैकअप मोड में रखना चाह रहे हैं, तो दोनों में रॉ करने से आपका फाइल शूटिंग स्पीड स्लो हो जाएगा, क्योंकि स्लॉट 2 जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा जल्दी से, तो ये थोड़ा सा लगेगा, मतलब अब कंपेयर टू अदर ऑप्शन इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं ये थोड़ा सा चुभने वाला बात हो गया कि फ्लिप आउट स्क्रीन पैसे वाली बात नहीं है, वो ईगो वाला बात है। टच स्क्रीन तो मतलब समझिए इंजीनियर मतलब इसमें टच स्क्रीन बना दिया, प्रोग्राम डिटेक्ट कर सकता है टच, नहीं तो टच फोकस काम नहीं करेगा, और आप थंब से ये मूव कर सकते हैं कि फोकस पॉइंट मूव कर सकते हैं, दे दिया, लेकिन सोचिए नहीं हम नहीं देंगे, भर जाएंगे कंपनी डूब जाएगी, लेकिन हम नहीं देंगे टच स्क्रीन, तो वो तो नहीं देने वाली, फ्लिप आउट वो भी नहीं देगी, मर जाएगी नहीं देगी। डुअल UHS-II अब नए वाले मॉडल में सुधार दिया गया है, तो है ऐसा नहीं कि ये खरीदने के बाद आपको कभी कोई टेंशन है, या जो मैं बता रहा हूँ कि 2020 में आ जाना चाहिए और आ जाता है तो चांसेस है कि उसमें UHS-II साइड ठीक कर दें, तो आपको थोड़ा सा चुभेगा।
तो अगर ये सब कमी से आपको कोई प्रॉब्लम, यार लोग कहेंगे ईवीएफ उतना अच्छा नहीं, भाई कितने 1,50,000 में मिल क्या रहा है, मतलब मैं इसलिए हमेशा कहूँगा कि किसी भी चीज़ का दाम ऐसे मत देखिए कि ये है उसके कंपेयर में क्या है, क्या इससे बेटर माइकोन आपको दे रहा है, हाँ, और मतलब उसका मतलब व्यू फाइंडर अच्छा है, लेकिन उसका मतलब ऑटो फोकस इसके लेवल का नहीं, तो अब आपको क्या चाहिए, फोटो फोकस में होना चाहिए कि आपका व्यू फाइंडर फोकस में होना चाहिए, आप सोच लो। और दूसरा बात कि आप इवेंट फोटोग्राफी करते हैं जहाँ आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, वहाँ डुअल स्लॉट के बिना लोग जाएंगे ही नहीं। आप तो देखते होंगे ना, जो मतलब जो लोग फुटबॉल की फोटोग्राफी करते हैं वो ईथर में तार लगाया जाता है और प्रोफेशनल बॉडी में आता है, वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चलता रहता है, बैकग्राउंड में सर्वर में बैकअप होता रहता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते। बॉल कभी कभी हुआ कि बॉल आके कैमरा को ही स्वाहा कर दिया, तो ऐसा होने पे आप ये नहीं कह सकते कि अरे मेरा फोटो उड़ गया। तो समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि ये परफेक्ट कैमरा है, और कुछ कुछ चीज़ तो थोड़ा सा अनोइंग है कि मतलब टच स्क्रीन ना देना, क्योंकि है मतलब है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कहते हैं ना परफेक्ट चीज़ नहीं होती है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी A7 Mark III के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक दो बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। अब मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।